सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज से अपने चैनल पे एक नई गेमिंग सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसका नाम है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। तो ये प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा और ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। इसका साइज है 2.2 GB, शायद इतना ही कुछ साइज है। तो इस गेम में करना क्या होता है, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गेम के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस गेम में आपका प्लेयर एक आइलैंड पे स्पॉन होगा और उसको वहाँ पे सरवाइव करना है। इस आइलैंड पे बहुत तरीके की चीज़ें हैं, लगभग 80 के ऊपर डायनासोर्स हैं। उनको हम पकड़ के उनको राइड कर सकते हैं, मारना है, पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के बहुत कुछ है और फिर हमको सरवाइव करना है। और ये जो आप जो बड़ा सा रेड रेड सा देख रहे हो ना, और ये जो है जिसमें रेड लाइट निकल रही है, और फिर वो ग्रीन वाला देखो, वो जो ग्रीन सा आपको दूर दिख रहा होगा, अब ये सब क्या है ये मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ सब आपको बाद में बताऊंगा, मेरे को भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में, और मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं इस गेम को बहुत पहले से खेल रहा हूँ, तो मेरे को अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके। मैं स्टार्टिंग से नहीं खेल पाऊँगा इस गेम को क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं मुझे स्टार्ट से, रिस्टार्ट करने का गेम। तो मुझे इस वीडियो इस सीरीज़ को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा आधे से ही। तो मैं हर चीज़ लेकिन आपको बताऊंगा एक न्यू प्लेयर को क्या करना होता है इस गेम में, कैसे सरवाइव करेगा। तो सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है, देखिए ये जो है इनको कैस्ट्रोडिस बोलते हैं लेकिन मैं इन्हें बीवर बुलाता हूँ सभी लोग। और इनको मैंने ऐसे कैद करके क्यों रखा है ये मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। ये सब बहुत लास्ट में करने की चीज़ें हैं, मतलब गेम के मिड पे करने वाली चीज़ें हैं, तो बाद में बताता हूँ। फिर देखिए ये क्रॉप्स है, आप फसल उगा सकते हो। ये बेरीज उगाई है मैंने, देखिए ये बेरीज, मैजो बेरी पर्पल रंग की। फिर ये अलग अलग तरीके की हर चीज़ है इसमें, भुट्टे भी है, आलू भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। फिर मैं आपको अपना बेस दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा बेस है डब्बे जैसा, पर कुछ तो बनाना था ना, इसको अपग्रेड करेंगे। और अंदर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये बेड। ये डोडवा किसी काम का नहीं, इसे तो मारो बस बिना बात के आ जाता है। फिर ये स्मिति है, इसको मैं बाद में बताऊँगा, इसका यूज़ आपका थोड़ा बाद में होता है। ये स्टोरेज बॉक्स है, ये तो पता ही होगा किस लिए होते हैं, स्टोरेज सामान रखने के लिए। फिर ये मोर्टार एंड पेस्टाइल्स, इसको भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा अगली वीडियो में क्या होता है। ये आर्मर स्टैंड है, आपके जो भी आर्मर वगैरह होते हैं उसमें रखो, उसको रखो इसमें। ये लार्ज स्टोरेज बॉक्स है, उसी का बड़ा रूप स्टोरेज। ये फ्रिज है, ये भी बाद में बनती है। और छत दिखा देता हूँ, अरे यार ये इसकी पूंछ की वजह से मैं नीचे गिर गया, तो देखिए दोबारा ऊपर जा रहा हूँ मैं। और ऊपर मैंने दो डायनासोर अपने खड़े करके पहले से रखे हैं। तो देखो ये है मेंढक, इसको लिकी नाम मैंने रखा है, लेकिन गेम में बहुत ही अजीब नाम है इसका, पढ़ने लायक ही नहीं है, इतना अजीब सा पढ़ा ही नहीं जाता। फिर ये पेलागोर्निस, और देखिए इसका लेवल अप आ रखा है, मतलब एक लेवल इसका प्लस हो गया है, तो मैंने इसको लेवल अप कर दिया है। और ये देखिए ये मेरी राफ्ट है, इसमें वाटर क्रिएचर्स भी बहुत सारे, और ये राफ्ट बोलते हैं इसको। और देखिए ये जो है ये डॉल्फिन, जंपी नाम मैंने रखा है, लेकिन इसका गेम का नाम इचियोसॉरस है शायद। और ये मेगलोडॉन, जानी मानी शार्क की प्रजाति जो अब शायद नहीं है, इसको आप देखिए ऐसे राइड कर सकते हो, पानी के अंदर जा सकते हो, बहुत कुछ है करने के लिए। अब मैं आपके लैंड डायनासोर दिखाता हूँ आपको, अपनी लैंड डायनासोर, लैंड वाले में देखिए ये मगरमच्छ, ये दोनों चीज़ पे, पानी में भी और ज़मीन पे भी, मगरमच्छ की प्रजाति का है ये। फिर इसको इगुआनाडॉन बोलते हैं, ये भी देखिए इतना अच्छा है। ये है ब्रोंटोसॉरस, बिग डूड नाम दिया है मैंने इसका, शकल पकल इसकी कुछ नहीं दिखती भाई। ये है डिप्लोडोकस, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बिना काम का है, देखिए दोनों की शकल अब देखो। ये है पैरासिथेरियम, इसको मैंने क्यों टेम करा है मुझे भी नहीं पता अभी तक। फिर ये है रैप्टर, ये बहुत ओपी है, बिल्कुल ओपी डायनोस, इन्हें तो ज़रूर टेम करना पड़ेगा, इनको मैं करके दिखाऊंगा। एक और देखिए ये कछुआ बोलते हैं इसको। फिर ये फियोमिया, इसका नाम आप लोग ही डिसाइड करिए क्या बोलोगे इसको। ये मगरमच्छ, ये देखिए स्टेगोसॉरस, इसको स्टेगो, ओ भाई ये कहाँ सर डाल के बैठा है, इसको लग रहा है वीडियो में आने से शर्म आ रही है, चल भाई बाहर निकल तू। अब देखिए इसको बाहर निकाला, और ऐसे आप सबके ऊपर बैठ सकते हैं डायनोस के ऊपर, जिसको आप टेम करोगे और उसकी सैडल बनानी पड़ती है। फिर ये मगरमच्छ है देखिए, इसको गेटर नाम दिया है। और फिर मैं आपको ये सब बताऊंगा, देखिए उड़ने वाला डायनो है, इसको ट्रेनोडॉन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उड़ने वाले डायनोस भी है, ठीक है। देखिए ऐसे आप उड़ सकते हो, बहुत तरीके की चीज़ें हैं इसमें भाई। फिर ये शेर है देखिए, सिम्बा, सिम्बा नाम दिया है इसका, सेबरटूथ नाम है। ये बीवर है, वही जो मैंने वहाँ दिखाए थे। और मैं ये भी बताऊंगा यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, जो मैंने एक हाथ इकट्ठा करके खड़े कर रखे ना, इसका भी एक रीज़न है। और ये घोड़ा कम गधा, और घोड़ा कम जेब्रा है, इसको राइड करिए देखिए ऐसे,
देखिए क्या मस्त, घोड़ा कम जेबरा और ये उछलता है, लात भी मारेगा, देखिए ये लात मारता है भाई बैक की, ये ले। तो देखिए ऐसे ऐसे बहुत डायनोज है, इन सबको मैं दोबारा टेम करूँगा आपके लिए। फिर ये देखिए इसको बोलते हैं डोईडिकुरस, एक गोल मटोल सा है। ये कार्नो मेरे को पूछ मार रहा है, ये कार्नो देखिए छोटी हाथ वाला है ना, जिसके छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये सबसे फालतू डायनोस लगता है मुझे जीएम के। फिर ये स्पाइनोसॉरस, भाई स्पाइनो इसको टेम करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा टेम करूँगा इस डायनो को। फिर ये आता है फैलकन, इसको गेम में नाम तो अर्जेंटेविज है, मैंने फैलकन नाम दिया, और ये सबका फेवरेट डायनासोर में से एक है भाई, ये होना तो पक्की बात है, आपके पास होना ही चाहिए ऐसा डायनासोर एक। और भी चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए मगरमच्छ है। तो मैं आज की वीडियो में इतने डायनासोर्स दिखाता हूँ, बाकी डायनासोर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है सबको सही से सेटल करके। तो ये अंडा है, देखो अंडे को आप खा भी सकते हो, इस टैगोसॉरस ने अंडा दिया है, ये देखो मैं खा लूँगा इसको। देखिए बहुत कुछ है करने को इस गेम में, आप पे बंदूक भी है, देखिए पहले मैं FPP मोड पर आ जाऊँ, उसके बाद आपको बंदूक चला के दिखाता हूँ, ये देखिए। और हाँ आपको इस वीडियो में साउंड नहीं आ रही होगी, उसकी प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा गेम साउंड की, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई थी। पर ये देखिए बिच्छू, और तो रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ सही हो जाएगा साउंड वगैरह का सिस्टम, तो चिंता मत करना। और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक कर देना आप जितना। ये देखिए डस्टबिन है, इसको तो डस्टबिन बोलते हैं, इसमें आपके फर्टिलाइजर्स बनते हैं, सो ये लाइट वगैरह है। तो देखिए आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे उतना ही मेरे को थोड़ा हौसला मिलेगा कि वीडियो डालने का। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी कर दो प्लीज़, आपसे सबसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगली वीडियो में मैं आपको और भी नए नए डायनासोर टेम करके दिखाऊंगा, जैसे एक पैरासोर बोलते हैं, वो फर्स्ट टेम्स में से एक होता है, कि नए प्लेयर को सबसे पहले लगभग उसे टेम करना पड़ता है, सबसे पहले तो डोडो टेम होता है फिर उसे करना पड़ता है। तो देखिए इसमें इमोट्स भी है नए नए, तो मैं अगली वीडियो में पहले आपको डोडो और पैरासोर टेम करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए अलग अलग तरीके की इमोट है, बहुत कुछ है गेम में खेलने लायक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।